मनीष, अगर आप समझा पाए, अवंतीपुरा एयरबेस हो या फिर श्रीनगर का एयरबेस हो, वहां से उड़ान अगर कोई फाइटर जेट भरता है तो मुजफ्फराबाद, जहां से श्रीनगर का फासला 125 किलोमीटर का है, अगर श्रीनगर से उड़ान भरने के बाद कितने किलोमीटर के फासला तय करने के बाद वो अपने एम को यानी मुजफ्फराबाद को टारगेट कर सकता है, कितना करीब जाना पड़ता है एक फाइटर जेट को अपने एम के? देखिए, 2300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, यानी 2.2 मैक की स्पीड है मिराज 2000 की, और ये मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर एयरक्राफ्ट है भारतीय वायुसेना का। इसमें भारतीय वायुसेना में इसकी 3 स्क्वाड्रन्स है और इसी का इस्तेमाल पूरी तरीके से किया गया। यानी कुल मिला के अगर जो एलओसी का एरिया है जहां पर एयर स्पेस एलओसी का शुरू हो जाता है, यानी पाकिस्तान के एयर स्पेस तक पहुंचने के लिए महज 3 से 4 मिनट काफी है इस फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए, और जो सोर्सेज हमारे बता रहे हैं उसके मुताबिक करीबन 35 से 40 मिनट के अंदर इस पूरे ऑपरेशन को रैप अप कर दिया गया इस 12 फाइटर एयरक्राफ्ट के जरिए, और इसीलिए 12 फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया ताकि पाकिस्तान समझ ना पाए, तब तक वो समझे तब तक ये डीप पेनिट्रेटेड एरिया में जाकर स्ट्राइक। मनीष, इन लड़ाकू विमानों ने कितने वक्त में अपना काम तमाम कर दिया? देखिए, मैं आपको पूरी रणनीति के साथ बताता हूं, वो ज्यादा जरूरी है कि ताकि हम सब आज के इस ऑपरेशन पे गौरव महसूस कर सके। पहली बात, मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसकी स्पीड 2.2 मैक है, यानी करीबन 2300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तेज आगे बढ़ता है। वज्र इसका कोर टीम है और उसी रफ्तार से ये दुश्मन के खेमे में जाके उसे ध्वस्त करता है। अगर श्रीनगर या अवंतीपुरा एयरबेस का भी आप इस्तेमाल करेंगे तो कुल मिला के करीबन 3 से 4 मिनट पर ये एलओसी के एयरस्पेस के अंदर दाखिल हो जाएगा, यानी पाकिस्तान के खेमे के अंदर घुस सकता है, और जो सोर्सेज है उनके मुताबिक करीबन कुल मिला के 35 से 40 मिनट के अंदर ये 12 फाइटर एयरक्राफ्ट ने अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया और ये वापस सुरक्षित एयरबेस पर आ गए। सरप्राइज इस बात का था कि जब तक पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी एयरफोर्स के रडार समझ पाते, ब्लिप समझ पाते, वो स्क्रैम्बल 3 बार बोल पाते, पाकिस्तान भारतीय वायुसेना के ये शूरवीर अंदर घुसे, अपने स्क्वाड्रन अपने फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ घुसे, उन्होंने एयर टू सरफेस मिसाइल उनसे लैस थे, उस दौरान वो बॉम्ब के साथ लैस थे और 1000 के